हाय एवरीवन, कितने मन से हम एक पौधा लगाते हैं ना, और उससे भी ज्यादा प्यार से हम उसकी देखभाल करते हैं। पर कभी कभार एंट्स या मेली बग्स हमारे पौधे में लग जाते हैं, एंड जिससे कि हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आई हैव ट्राइड मैनी, बट दिस वन टर्नड आउट टू बी द बेस्ट एंड हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ एंट्स एंड मेली बग्स। सो स्टे ट्यून्ड। हिबिस्कस फ्लावर, जिसे कि हम ओढ़ूल का फूल भी कहते हैं, ये फ्लावर ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में होता है। एंड इस फ्लावर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि है एंट्स एंड मेली बग्स का। इस वीडियो में एक होममेड रेमेडी जानते हैं, जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम सब दूर कर सकते हैं। टेक सिनेमन, जिसे कि हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम सिनेमन एंड एड हाफ लीटर ऑफ वाटर टू इट। अब आप इसे बॉईल कर लें फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स। अभी जो सिनेमन वाटर हमने बॉईल किया था, उसे ठंडा होने दें, लेट इट कूल डाउन, एंड देन डाइल्यूट इट बाय एडिंग मोर हाफ लीटर ऑफ वाटर टू इट। ठंडा होने के बाद उस सिनेमन वाटर में और हाफ लीटर प्लेन वाटर डालिए। सिनेमन सॉल्यूशन पौधे में डालने से पहले मेक श्योर कि आप खुरपी से पौधे का टॉप सॉइल अच्छे से चला लें, ताकि जब आप सिनेमन सॉल्यूशन डालें तो वो सॉइल में एकदम नीचे जड़ तक जाए। सिनेमन सॉल्यूशन को आप पौधे में पत्तों पर, फ्लावर्स पे, और जहाँ पर भी एंट्स एंड मेली बग्स लगे हुए हैं, वहाँ पे इस तरह से स्प्रे करिए। दालचीनी की यानी कि सिनेमन की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड एंट्स डोंट लाइक द स्मेल। इसीलिए जब हम सिनेमन सॉल्यूशन जड़ में डालते हैं या पत्तों पर स्प्रे करते हैं, तो एंट्स इस स्मेल को पसंद नहीं करते हैं और वह भाग जाते हैं। कुछ समय पहले हमने अपने रेड हिबिस्कस फ्लावरिंग प्लांट में यही तरीका अपनाया था, एंड लुक, द प्लांट्स लुक हैप्पी एंड ग्रीन, एंड सो आर वी। ये तरीका आप वीक में एक बार यूज करिए, एक बार ये सिनेमन सॉल्यूशन अपने पौधे में डालिए। ये रेमेडी आप सब भी ट्राई करिए, एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली इफेक्टिव। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।